हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोटैटो चीज़ रोल्स बनाने सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके लिए जो जो सामान की आवश्यकता है वो है, ये हमने आलू लिए हैं बॉयल्ड, 4-5 आलू ले लिए हैं, और ये हमने चीज़ लिया है 100 ग्राम, ये हमने कद्दूकस कर लिया है, और ये हमारे ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने घर में बना रखे हैं। इसकी रेसिपी आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। और ये है हमारा 2 प्याज, अदरक छोटा पीस कटा हुआ, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये है शिमला मिर्च 1 बारीक कटी हुई, और ये हमारा 1 चम्मच है चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, और ये नमक मिर्च हल्दी हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे, और ये हमारे 2 चम्मच है मैदा। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। ये हमने आलू मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीज़, हम इसमें हाफ़ चीज़ डाल देंगे, हाफ़ हम रख लेंगे, और इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, ये भी हम आधे डाल लेंगे, आधे रख लेंगे, और इसमें डालेंगे प्याज, अदरक, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। और हम डालेंगे चाट मसाला, काली मिर्च, धनिया पाउडर, और हम अब डालेंगे इसमें नमक मिर्च अपने स्वाद के अनुसार। यह मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक का। हम लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाल ली है, आधा चम्मच, और बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये हमने आलू और सारा मटेरियल जो डाला था उसको मैश कर लिया है। अब हम मैदे में थोड़ा पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। थोड़ा इसको पतला रखेंगे हम, अच्छे से मैश कर लेना है इसको। देखिए इसमें गांठे नहीं रहनी चाहिए। ये हमारा मटेरियल हो गया। अब हम इसमें थोड़ा धनिया डालेंगे, धनिया डाल के इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल बनाने के लिए हम हाथ पे थोड़ा तेल लगा लेंगे। तेल लगा के हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। हम इसको थोड़ा टिक्की टाइप बनाएंगे। बीच में हम इसके जो हमारे चीज़ हैं इसको भरेंगे बीच में रख के, फिर हम इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे और इसको राउंड में बना देंगे ऐसे। इसके बाद हम इसको जो हमारे मैदे वाला घोल था इसमें करके फिर हम इसमें ब्रेड क्रम्स में लपेट देंगे। इसको फिर हम प्लेट में रख लेंगे सही बॉल्स को। देखिए ऐसे टिक्की बना के इसके बीच में हम चीज़ रख देंगे और इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देना है और फिर इसको राउंड में। जैसे हम लड्डू बनाते हैं ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको, फिर हम इसको मैदे वाले लिक्विड में घोल के फिर हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखिए ऐसे हम सभी बॉल्स को बना लेंगे। हमारे सभी बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसको सिम आंच पे करके फिर उसमें बॉल्स डालेंगे अपने। ये देखिए जितनी हमारी बॉल्स एक बार में आ जाएंगी उतनी ही डालेंगे आराम से।
हमने इसको सिम आंच पे ही पकाना है, क्योंकि अगर हमने आंच तेज कर दी तो ये जल जाएंगे। ये बॉल्स हमारे ब्राउन होने लग गए हैं, बस अब ये बनने ही वाले हैं, थोड़ा और पकाएंगे अभी हम इसको। हमारी बॉल्स बनके तैयार हैं, चीज़ पोटैटो बॉल्स। अब हम इनको निकाल लेंगे। जो जो हो गई हैं उनको निकाल लेंगे। अब हम इसमें जो बाकी बची हैं वो भी डाल देंगे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं, बच्चों का फेवरेट नाश्ता है ये। इनको भी अब सिम आंच पे होने देंगे। ये देखिए हमारी सभी बॉल्स बन चुकी हैं। ये हमारी चीज़ पोटैटो रोल्स हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए बीच में इसका कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप भी इसे घर में बनाइए, ट्राई कीजिए और अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। सभी को देखिए बीच में से कितना अच्छा इसका, ये देखिए। आप भी इसे बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।